हाय दोस्तों, आप अच्छे ही होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, अभी जो अपडेट लेके आया था सन फार्मास्यूटिकल्स में लेके आया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि सन फार्मा ओवरसोल्ड हो चुका है, इसको बाई करना चाहिए। मेरे फ्रेंड लोग भी पूछ रहे थे, मैं उनको मना किया था। मैं बोला था क्यों बाई करना चाहते हो, अगर ये सेल्स ग्रोथ इसकी है ही नहीं। और जब मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल लेबल दिया था कि 400 पे अच्छा खासा उसको रेजिस्टेंस है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 400 के पुट को बाई करने के लिए, तो फिर क्यों बाई करना चाहते हो? उसके सामने मैंने आपको ये भी बोला था कि बाय कौन बाय कर लेना। तो आज ही हम कंपेयर करते हैं, जो सिर्फ मैंने आपको कितने दिन पहले ये वीडियो दिया, आप खुद देख लीजिए सन फार्मास्यूटिकल क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए आप आगे। क्या यहाँ पे आपको मैंने 3 दिसंबर को ये दिया था, और आपको ये बोला था सात, ये जो है आपको बोला था 400 का जो पुट है वो आपको लेना है 7 रुपए के आसपास है। 1100 का ये लॉट साइज होता है, 1100 का लॉट साइज होता है ये। तो 7700 का आपका केवल इन्वेस्टमेंट था, और वहां पे आज अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, आज की पोजीशन को देखते हैं। तो आज देखिए, अगर मैं सन फार्मास्यूटिकल्स के, अगर मैं ये 400 के पुट को देखता हूं, तो आज की क्लोजिंग जो है 16 रुपया 15 पैसे पे है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की जो है वो 15 रुपया है, और हाई जो बनाया है 23 रुपया 80 पैसा बनाया है। तो जो आप, अगर आपने कोई भी सन फार्मा का 1100 का लॉट 7 रुपये पर लिया होता, तो सिर्फ उसको 7 रुपये 70 पैसा लगा होता, पुट लेना था आपको। ये देखिए, सन फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्रीज का पुट लेना था आपको, पेपर ट्रेडिंग करना था 400 का 7 रुपये 70 पैसे पे, या 7 रुपये पे जहां आपको मिलता तो 7 रुपये पे लेना था आपको। और वहां पे आपको ये क्या फायदा हो जाता, आपको क्या फायदा होता, आपको आज 24 रुपये, आप आज की क्लोजिंग क्या देखिए, 23.80 की हाई है। तो 23.80 का एक बार हाई पे देख लेते हैं, 23.80 का हाई, तो आपको यहाँ पे 209% का गेन आता। चलिए मैं आज की क्लोजिंग ले लेता हूँ, मैं हाई भी नहीं लेता हूँ। चलिए, तो 16 रुपये 15 पैसे की क्लोजिंग है वो ले लेता हूँ। चलिए 16.15 ले लेता हूँ। आज की क्लोजिंग पे भी अगर कोई होगा, जो कि उससे ऊपर ही अगर किसी को निकलना होगा तो ऊपर ही निकला होगा, लेकिन मैं तो अभी भी निकलने की सलाह नहीं देता। मैं तो बोलता हूँ ये 380 एक बार लगता है दिखा देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 400 पे है। तो देखिए, ये एग्जैक्ट 401 से रिटर्न आया है। आज का लो क्या बनाया है आप देखिए, आज का लो देखेंगे तो आप 401 रुपया 50 पैसा का, जो कि इसका 52 वीक का लो हो चुका है, आज ही इसने लो बनाया है। और अब अगर 401 रुपये किसी कारण से ये तोड़ता है, जो कि तोड़ेगा ऐसा दिखता है, अभी भी मैं निगेटिव हूँ। क्यों निगेटिव हूँ, तो आप इसका देखिए वेटेड एवरेज देखिए, वेटेड एवरेज वॉल्यूम अगर इसकी जो होती है 424 रुपये पे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, वहां जाके 412 रुपये का डिफरेंस वेटेड एवरेज पे, तो मुझे अभी भी इसमें नहीं लगता है कि कोई चांस है, अभी भी मुझे निगेटिव दिखता है। आज का पूरा अगर दिन का ऊपर से नीचे का फॉल देखे तो 445 रुपये का हाई बनाता है, और ओपन 442 का इसका ये है क्लोजिंग है, 445 का हाई बनाता है, और वहां से जो फॉल दिखाता है वो 401 का फॉल दिखाता है, और रिकवरी 412 रुपये का करता है, तो कितने परसेंट का रिकवरी करता है? अगर आपका 445 का हाई बनाता है और 401 का लो बनाता है और सिर्फ 12 रुपये का गेन बनाता है, तो आप डिफरेंस कितने रुपये का हुआ? अगर 445 माइनस 441 तो 44 रुपये, तो 12 रुपये ऊपर बन करता है, तो 12 डिवाइड बाई 44% के सिर्फ 27% का अपवर्ड लेता है। एटलीस्ट 50+ लेता ना, तो मैं समझता कि अपने जो लो हाई से बना रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर ये यहाँ से एटलीस्ट 445 का, अगर 44 रुपये पे डिफरेंस है, तो 44 का एटलीस्ट 0.50 करें, 50% करें, तो 22 रुपया, तो 401 प्लस 22, 423 या 424 पे भी क्लोजिंग देता ना, तो लगता है कि चलो ठीक है प्लस में है, एटलीस्ट वो 50% रिकवरी किया है। लेकिन वो सिर्फ 25% की रिकवरी कर रहा है, और वो भी हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो, किसी ने शॉर्ट अगर बाय करके रखा तो अपने और रिकवर कर रहा हो, वैसा भी पोजीशन बन सकता है। दूसरा, एक तो ये था, तो पहले मैं तो आपको ये बता दूं, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया? अगर आपने 1100 का लॉट 7700 में लिया होगा, तो अब यही 1100 का आपका 16 रुपया 15 पैसे पे है, 17000 की वैल्यू होती है, तो आपने 131% का गेन कमाया एक लॉट पे। अब लॉट तो जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग किसने किया होगा तो सिर्फ 3 दिन में उसका 10000 का प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक लॉट पे।
अब इससे ज़्यादा क्या आपको इस चैनल पे चाहिए। अब आपको हर 3 दिन पे अगर 10,000 15,000, आप निफ्टी का पुट भी लिया, बाय बैंक निफ्टी का पुट भी लिए होंगे, जब चाइना के साथ आप देखा होगा कि चाइना के साथ जब ये हुआ कि ट्रेड वार नहीं होगा, मेटल इंडस्ट्री ऊपर गई, उस समय देखिए सारे मीडिया ने आकर के आपको ये बताया कि अब तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। मैंने तो नहीं बताया आकर के, मैंने तो उस समय भी बोला आपको शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी, और अभी भी मैं बैंक निफ्टी पे 11 तारीख तक तो पॉजिटिव नहीं। 11 तारीख बाद इलेक्शन पे रिजल्ट आने के बाद ही आपको जो भी पोजीशन पुट की और है ये भी बताता हूँ, जिसने भी पुट में बैंक निफ्टी पुट में पोजीशन बनाया होगा बैंक निफ्टी का, नहीं अगर किसी ने भी बनाया है आप जाकर के मेरे वीडियो को देख लें, मैंने बैंक निफ्टी पे आपको दिया था कि क्या पोजीशन, मंथली पोजीशन क्या बनानी है, और अगर किसी ने भी बनाया उसको उस वीडियो को देख करके पोजीशन, ये देखिए बैंक निफ्टी दिसंबर 8 का क्या व्यू होना चाहिए, ये है, ये मैंने दिया था आपको। तो अगर किसी ने भी बैंक निफ्टी के पोजीशन पे ये वीडियो बनाया हुआ है तो आपको 12 तारीख तक ही वेट करना है, और अगर आपको पुट पे प्रॉफिट हो रहा है जो कि 100% आज हो ही रहा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा 2600-2662 से आज जाकर के बैंक निफ्टी बहुत लो पे पोजीशन पे क्लोज दिया है, आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही लोअर लेवल पे हुई है, तो आप देखेंगे कहाँ पे हुई है, आप खुद देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन, आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 2619, तो जहाँ आज 2619 पे दिया था और मैं बैंक निफ्टी जब था ये 300 पॉइंट वहाँ से नीचे है, और तब आपने अगर इसको शॉर्ट किया होगा लॉट को तब फायदे में ही होंगे, और अगर उस समय भी आपने 27 दिसंबर का पुट लिया होगा तो आप फायदे में होंगे, जो भी होंगे आप प्लस में ही होंगे, बहुत सारे पोजिशन है तो बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी पुट पे बने रह सकते हैं जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, और मैं इलेक्शन के रिजल्ट पे पॉजिटिव अभी भी नहीं हूँ, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि पॉजिटिविटी रिजल्ट पे अभी भी दिख रही है, अगर आएगी तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिए अब तो मुझे और भी निगेटिव सेंटीमेंट, आज के जो क्लोजिंग जब बैंक निफ्टी दिया है तो वहाँ से मुझे और भी निगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है बैंक निफ्टी पे, पॉजिटिव तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, मीडिया चैनल सब बता रहे हैं उनको दिखता होगा, मुझे तो नहीं दिखता है। 26,500 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसको अगर 26,500 के सपोर्ट से ऊपर लेता है तो ठीक है, और अगर जो कि इसने आज 26,443 का लो दिखा दिया है, इसलिए मैं इस पर पॉजिटिव नहीं, अपने हाई से लो की ओर गया है वापस, जो मैं बताता हूँ आपको लो से कितना परसेंट ऊपर गया है, तो हाई से लो की ओर गया, लो की ओर ही क्लो 443 से सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर देखे जाता है, तो बहुत अच्छा तो परसेंटेज गेन नहीं दिया है, इसके लिए मैं इसमें अभी भी पॉजिटिव इस पर व्यू नहीं रखता हूँ, 174 पॉइंट का लॉस ही दिया है, 50 पॉइंट का गेन दिखाता है सिर्फ, तो इसलिए मैं इस पर पॉजिटिव पॉइंट अभी भी व्यू मुझे नहीं लगता है कि है। और HDFC बैंक एक है जो इसको सपोर्ट दिया है यहाँ पे, बाकी सारे बैंक ने इसको तोड़ा है, तो अभी मैं निगेटिव पॉइंट से हूँ, फिर भी आप अपनी पोजिशन, जैसे मैंने आपको एक ही बैंक निफ्टी का पुट लिया अगर उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उस दिन से कंटिन्यूस बैंक निफ्टी निगेटिव है, मैंने आपको जस्ट अपोजिट बोला था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव बोला था, निफ्टी पे चूंकि प्लस ट्रेंड दे रहा था इसलिए मैंने निफ्टी पे बोला था उस पर पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स पे वो पॉजिटिव हर बार क्लोजिंग दे रहा था, तो इसलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी से आज भी आपको बता दूं, बैंक निफ्टी डाउन हो सकता है, निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, आज भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा तो निफ्टी 300 पॉइंट गिरेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि 27% का उसका इंडेक्स है, तो 270 पॉइंट तो गिरेगा ही गिरेगा, तो लगभग अगर 1000 पॉइंट गिरता है तो 200-150 पॉइंट गिरेगा, इसका जो वेटेज है उस पर, उसके अनुसार ये डाउन जा सकता है। चलिए हम सॉरी, हम आप बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ पे चले गए, हम भटक गए अपने, हम सनमा फार्मास्यूटिकल्स पे थे, अभी भी मेरा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, जल्दी से इसको क्लोज कर देते हैं सन फार्मास्यूटिकल्स पे, अभी भी आप देखेंगे तो आज क्या हुआ, सन फर्स्ट में डेरिवेटिव पे एक बार चर्चा कर लें तो 470 की क्लोजिंग दिया है फ्यूचर में, तो एट द मनी 400 पे क्या हो रहा है, 400 में अगर वापस देखें तो 10,32,000 का पुट पे बाइंग हो रहा है, अब 22 लाख की बाइंग इसको सपोर्ट हो चुका है, और कॉल की ओर सिर्फ 1 लाख का बाइंग हो रहा है, अब 440 पे 11 लाख का, तो अब 440 क्रॉस करने में इसकी नानी याद आ जाएगी, अच्छी खासी हालत खराब होने वाली है, सॉरी नानी याद, एक हम लोग की तरफ कहावत है इसलिए बोला है, अदरवाइज उसको आप अदरवाइज नहीं ले, 440 पे मतलब उसमें बहुत बड़ा इसका रेसिस्टेंस हो गया, अभी 13 लाख का हो गया, आज ही के दिन बनाई है, तो 440 ही अब क्रॉस करने वाला, इतना जल्दी तो अभी नहीं है, और नीचे की ओर तो ओपन डोर हो गया, 340 का भी डोर खोल दिया इसने, तो कोई बात नहीं, नीचे की ओर आपको वहाँ पे दिख रहा है तो 400 पे अच्छा खासा है, 400 अगर किसी कारण से तोड़ता है जो कि 22,99,000 का है तो आपको सीधा 380 का दिखेगा, तो अगर किसी ने 400 के पोजीशन को बनाया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं, अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं 400 का, या 380 के पोजीशन को 925 में मिल रहा है इसको आप ट्राई कर सकते हैं, तो मैं अभी भी सन फार्मा पे निगेटिव ही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे जब तक इसमें पोजीशन इसके ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रहा है और कोई अच्छी चीज़ें नहीं न्यूज़ में आ रही है, आज भी कुछ इसके बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के निगेटिव ही न्यूज आई हुई है,
ये देखिए ये जूनियर अपडेटेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरऑल हंट सन फार्मा डिस्पाइट मैनेजमेंट रिवर्टर, सन फार्मा हैज बीन ट्राइंग टू रिस्टोर इन्वेस्टर कन्फ्यूजन आफ्टर स्केचिंग नोट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर्स फॉर मैक्वारी मैक्वारी एंड विसिल कंप्लेंट टू सिक्योरिटी सेबी लास्ट वीक, द ड्रग मेकर स्टॉक सिंस देन ड्रॉप्ड 1/5 ऑफ इट्स वैल्यू। इसका ये कहना है कि अभी जो मैसेज आया कि इनफैक्ट उन्होंने आकर के सन फार्मा के मैनेजमेंट ने आकर के अपने आपको बताया, बट स्टिल मैक्वारी के जो विसिल ब्लोइंग कंप्लेंट है उसके चलते अभी भी ये मार्केट को रोक नहीं रहा है। दो चीज इसमें आप समझिए, एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस हटा भी दो तो सेल्स ग्रोथ ही नहीं इसमें दिख रहा है मेरे को। जब सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रहा है और अगर मेरे को आरओसी और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो मिल रहा है 7% का मिल रहा है तो मैं इसमें होल्ड करके क्या लॉजिक नहीं बनता बैठने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 23% यहाँ पे दिख रहा है और आफ्टर टैक्स ये 13-14% दिख रहा है। तो अभी इसको एक बार हम तो क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो माइनस में दिख रहा है, -100 नेट प्रॉफिट -109 दिख रहा है सेप्टेम्बर का। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो कुछ ड्रग्स में हुआ नहीं था जबकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, ये आउटसोर्स कंपनी है सेप्टेम्बर में, इनका डॉलर भी बढ़ा हुआ था, इन्हें फॉरनर कंपनी आईटी और मेडिकल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो चूंकि आपको कंप्लीट इफेक्ट दिखेगा सेल्स का, ये सेल्स डाउन हो रहा है, सेल्स को ग्रोथ है नहीं, ये चलो हो सकता है इंटरेस्ट वगैरह को डिप्रिसिएशन वगैरह को दिखा के मैनिपुलेट कर रहे हूँ। अदर इनकम देखिए निगेटिव है इनका 863 करोड़, जैसा मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो 400 पे अब वापस आता हूँ, 400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 400 के लेवल को अगर तोड़ता है तो ये 380 और 380 के लेवल को तोड़ता है तो 340 की ओर जा सकता है, दिखा सकता है। मैं अभी बाइंग नहीं करें और बायोकॉन आज इसके रूप में आपको सब्स्टिट्यूट दिया था तो आप आज भी मैं वही बोलता हूं आपको कि अगर बायोकॉन इसके जगह पर बायोकॉन को अपोजिशन बनाएंगे तो आप अच्छे में रहेंगे। और देखिए बायोकॉन को और यहाँ पे भी एक बार बायोकॉन देख लें, अगर सन फार्मा जैसा स्टॉक गिर रहा है तो बायोकॉन क्या कर रहा है एक बार उसको देख लेते हैं। सिर्फ ये देखिए बायोकॉन, देखिए एक स्टॉक ऐसा है, दोनों फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक सेक्टर में आपको 1% का गेन दे रहा है जब मार्केट इतना गिरा है। आप समझिए मार्केट कहां से कहां निफ्टी गिरा हुआ है और उसके बाद देखिए आपको ये फार्मास्यूटिकल्स में आपको बायोकॉन जैसा सेक्टर गेन दे रहा है और आपको वहीं आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू बना रहा है और दूसरे चीज में आपको लॉस दिखा रहा है। तो आप खुद डिसाइड करना आपको कैसे शेयर में रहना चाहिए कैसे शेयर में नहीं रहना चाहिए, ये तो आपका डिसीजन होगा और आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, बाकी आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर आपके हैं, आप उनसे बात करें और पोजीशन बनाएं। अभी भी अगर 380 के पोजीशन में कोई बाय करता है मुझे लगता है कि अच्छा खासा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, बशर्ते अगर वो 400 से ऊपर लेता है 440 को क्रॉस करता है तो 440 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं। 440 स्टॉप लॉस लगाइए या 460 का बेहतर होगा, 460 का स्टॉप लॉस लगाइए, 460 के स्टॉप लॉस से आप 380 के पोजीशन को बाय कर सकते हैं, 380 के पुट को ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और ये चूंकि 5 से 17 का पीरियड है तो 17 के पहले अपने पोजीशन को आप राइट ऑफ कर लें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आप 17 के बाद कैरी नहीं करें, अदरवाइज इंटेंजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है इसमें पुट कॉल में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर कोई भी पोजीशन आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत